कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सांसद दानिश अली जी मंच पर उपस्थित जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री महबूब अली साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी, समाजवादी पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री कमाल अख्तर जी, विधायक समरपाल सिंह जी, संचालन कर रहे जावेद आबदी जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष मस्तराम यादव जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में सांसद प्रमोद तिवारी जी, मोना तिवारी जी विधायक, और यहां पर उपस्थित दोनों दलों के सभी हमारे नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं बहने, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे गठबंधन के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। ये चुनाव 2024 का चुनाव और इस जगह पर दिखाई दे रहा है कि ऐतिहासिक वोटों से दानिश अली जीत करके जा रहे हैं। इधर पहले चरण का चुनाव हमने आपने सबने देखा और मैंने हर कार्यक्रम में हर सभा में ये कहा कि इस बार पश्चिम की हवा जो चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी का न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में सफाया करेगी। और कल ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में ही पलट दिया। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। उनकी झूठी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता, उनके घिसे पिटे डायलॉग अब जनता के बीच में चल नहीं रहे, उनकी सब खिड़कियां खाली हैं, कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। यूपी वाले जब स्वागत करते हैं तो अच्छा स्वागत करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो ढोल नगाड़े से विदाई करते हैं। इस बार तो अमरोहा की ढोलक बज करके भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है। जो कभी जुमले लेकर के आए थे जिन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, आज 10 साल हो गए, बताओ किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो? कोई हमारा बुनकर भाई खुशहाल हो गया हो? हमारे नौजवानों को कहा कि नौकरी देंगे हर साल 2 करोड़, बताओ बेरोजगारी इस तरीके से फैली है और सरकार जानबूझ करके बेरोजगार रखना चाहती है। अभी जितनी भी सरकार में परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हो गए। पहला पेपर लीक हुआ, सरकार सावधान नहीं हुई, उसके बाद जितनी परीक्षाएं हुई सब में पेपर लीक हो गए। और कई बार मैंने कहा कि 60 लाख बच्चों का, 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया इस सरकार ने।
और अगर किसान नाराज हैं, अगर हमारा नौजवान भी नाराज है, और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार का इन्होंने भविष्य छीना है, तो केवल अगर हम 60 लाख के परिवार के लोगों की नाराजगी को गिन लें, अगर एक परिवार में 3 लोग इस सरकार से नाराज हैं, तो 60 लाख बच्चों का पेपर लीक किया इन्होंने, अगर 60 लाख का गुणाम 3 से करें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है, और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें, तो बताओ 2,25,000 वोट कम हो रहा है हर लोकसभा में कि नहीं कम हो रहा है। और जिस तरीके से खुल करके बहुत सारे परंपरागत वोट जो बीजेपी को मिला करता था, वो खुल करके विरोध कर रहे हैं, हर लोकसभा में पंचायत हो रही है, ऐसे परंपरागत वोट जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, मैं उनकी राजनीतिक चेतना को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना पंचायत कर करके फैसला ले रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। ये जो जुमले दिए थे वो गारंटी दे रहे हैं, इन्होंने कभी कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली बजवाई थी, ये गारंटी नहीं, ये घंटी है इनकी, हमें इनकी गारंटी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है, वो संविधान की गारंटी चाहिए, और वो संविधान की गारंटी ही आपको अधिकार दिलाएगी, संविधान की गारंटी ही हमें आपको सम्मान दिलाएगी। इसलिए 2024 का चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है, इसलिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए और अपने वोट के एक अधिकार को बचाने के लिए आप लोग सब मिलकर के दानिश अली को जिताने का काम करना, इनकी मदद करने का काम करना। बताओ मदद करेंगे आप लोग? दानिश अली जी को मदद कर करके लोकसभा में भेजोगे? हमारे विधायक ये कह रहे थे, महबूब अली जी ने बहुत काम किया है, सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, फ्लाईओवर बनवाए, एम्बुलेंस चलवाई, पुलिस के लिए गाड़ी चलवाई, सरकार में बहुत काम हुए हैं, सड़कें बनी और ये स्टेडियम भी बना, काम में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ के लोग ठान लेंगे, तो पहले बहुत वोटों से जिताया था, यही विधानसभा अगर मन बना लेगी तो 1 लाख वोट से जिता करके भेजेगी। हमारे मंत्री जी थोड़ी कंजूसी करते हैं, इन्हें कंजूसी छोड़ देनी चाहिए। इसलिए साथियों, हम आपसे विशेष समय पर अपील करने आए हैं, ये गठबंधन जो बना है, यहां एक एक बैठे नौजवान बुजुर्ग चाहते थे ये गठबंधन बने, कोई कहता था खुल करके, कोई दिली दिल सोचता था कि गठबंधन हो जाए, आप मनी मन सोचते थे कि गठबंधन हो जाए, हम लोगों ने बड़े मन से गठबंधन किया है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कह रहा हूं कि गठबंधन का प्रत्याशी ऐतिहासिक वोट से जीत करके जाए। जो सवाल महंगाई का है, बेरोजगारी का है, वो आपके सामने है, और बहुत सारी तकलीफ परेशानियां हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया है, और इस भेदभाव को मिटाने के लिए और अपने मान सम्मान के लिए और संविधान बचाने के लिए आप लोग वोट कर देना, और दानिश अली जी को जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनके चुनाव चिन्ह हाथ पर एक एक वोट दे करके इन्हें लोकसभा में भेज देना, यही मैं कहने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, अपने नेताओं का भी धन्यवाद, कांग्रेस और तमाम दल के लोग हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब अगली बार लोकसभा में जाएंगे तो दानिश अली जी वहां दिखाई देंगे और आपकी आवाज को लोकसभा में बैठ करके बुलंद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा